हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग एकेडमी। इसके पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो पार्ट्स लिए हुए जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किए। ठीक है, एक्चुअल में वो टेंथ के लिए है लेकिन वो बाकी जो क्लासेस हैं उनमें भी आपके काम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लेंगे एक्सरसाइज 3.3 यानी थोड़ा बहुत SN के बारे में। मीन्स SN यानी क्या होता है, अब तक हमने TN यानी टर्म्स निकाली है, अब SN का भी एक पार्ट है इसमें जहाँ पे हम जो सीक्वेंस है उसके एडिशन करते हैं और हमें किसी समझो कोई 10 टर्म है 1 से लेके 10 तक। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं लेता 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एंड 10 तक ऐसे टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 होगा। ठीक है, बीच में तो यहाँ डिफरेंस है 1 का। तो यहाँ आपको निकालना क्या है कि ये 10 टर्म्स की एडिशन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखिए क्या है। SN इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1 into D। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये चैप्टर आसान क्यों, उसके पीछे का एक रीज़न बताता। ये चैप्टर इजी होने के पीछे का रीज़न ये है कि इसमें सारे के सारे फार्मूला बेस्ड एग्जांपल्स आते हैं और फार्मूला बेस्ड एग्जांपल में क्या है फ़ायदा कि आपको जो है वैल्यू सीधा उठा के पुट करनी है। वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे अभी इसमें देखेंगे हम, देखिए SN का फार्मूला है तो मैं समझो बोलता कि मेरे को 10th S10 निकालनी है, मतलब ये 10 नंबर की टर्म्स निकालनी है, सॉरी 10 टर्म्स की एडिशन निकालनी है। 1 से 10 तक जितनी भी टर्म्स है इनकी एडिशन क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसे निकालते हो। तो पहले इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में, एन तो है हमारे पास। एन देखो जैसे TN में हम लेते थे ना, अगर T11 निकालना था तो एन की वैल्यू 11 ले लेते थे, वैसे हमें यहाँ पे S11 दिया हुआ है, कितना दिया, सॉरी S10 दिया हुआ है, तो हमारी एन की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, ओके, एन की वैल्यू 10 हो गई। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें ए पूछा है, तो ए यानी बच्चों क्या होता है T1, और T1 कितना है 1। ठीक है, ये भी मिल गया। अब डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्रीवियस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सक्सीडिंग यानी आगे की टर्म माइनस प्रीवियस टर्म उसके पीछे की, तो 2-1 T2-T1 सीधे लिखा नहीं मैंने, सीधे लिखा दिया 2-1, तो डी आया हमारा 1, तो डी कितना आ गया 1। अब देखो आगे D1 आ गया, तो आगे अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लेके जाएंगे वैल्यू पुट आउट करके सारी। तो देखिए इधर सॉल्व कर दो अच्छे से, तो S10 n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 इन ब्रैकेट 2a, ए कितना है हमारा 1 प्लस n कितना है 10-1 इंटू डी कितना है 1 इज इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट 2 प्लस 9 इंटू 1, क्योंकि 2 1 2 10+1 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 से 2 से डिवाइड हो गया था 10 को इसलिए 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2+9 9 1 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। ये आ गई हमारी S10, मतलब पहले 10 टर्म्स की एडिशन जो है इस सीक्वेंस की वो है 55। होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझा होगा ये जो मैंने सॉल्व किया। देखिए बच्चों, SN यानी क्या, सम ऑफ द सीक्वेंस, यानी जो कुछ टर्म्स रहेंगी 100-150 टर्म्स की आपको एडिशन पूछी रहेगी। जैसे यहाँ पे 10 टर्म्स की पूछी थी, ऐसे आपको 100, 150, 20, 22, 21 कितने भी टर्म्स की एडिशन हो पूछ सकते हैं, मतलब हर एक टर्म की एडिशन। अगर वैसे करेंगे तो करना पड़ेगा 1+2+3+4+5, ऐसा करते करते तो कितना टाइम लग जाता, लेकिन ये फॉर्मूला हमने सीधे इसका एक फॉर्मूला फॉर्म किया जिससे कि हम उसमें वैल्यू पुट आउट करके कितना भी बड़ा आंसर जल्दी से जल्दी इजी सिंपल तरीके से निकाल सकते। ओके, तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है, इसमें हमें लिखना होता है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो एग्जांपल आते हैं वैसे लिख के नहीं आते कि S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिखा रहता है कि इफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इसके बाद 10 जो है मैंने लिखा इज एन AP। ठीक है, इज अ सीक्वेंस ऑफ AP, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब पहली 10 टर्म्स का एडिशन निकालो, मतलब कितना सम है। तो फिर ऐसा लिखना होता है, तो इसमें लास्ट में सेंटेंस भी लिखते, देयर फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 55। ओके, गॉट इट बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये Part 3 है, अब इसका Part 4 भी आएगा। Part 4 में क्या रहेगा बच्चों, इसके जो थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने Part 5 ऑफ लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा कुछ हटके लिया था, उस टाइप के इसमें भी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो पिछला वीडियो मैंने जो अपलोड किया वो देखिए, उसमें जो लास्ट प्रॉब्लम है ना वो भी थोड़ा डिफिकल्टी है, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होता है वो AP का प्रॉब्लम होके भी, क्योंकि उसमें आखिर में जो TN का है,
टीएन का फॉर्मूला जो ना हमारा टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें हमें ए और डी की वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व करके निकाली हुई है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आगे का प्रॉब्लम लेता हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, ये थोड़ा सा हटके है पिछले प्रॉब्लम से। उसमें जो डिफरेंस था वो कम था, इसमें डिफरेंस थोड़ा बढ़ चुका है। देखिए, इफ 4, 10, 16, 22 इज अ सीक्वेंस, ये एक एपी है, देन फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स। मतलब पहले 25 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो कुछ नहीं बच्चों, जैसे आपने उसमें किया था, ए इज इक्वल्स टू 4, यानी टी वन भी है, तो ये लिखना मत भूलना। ये लिखने से क्या होगा, टी वन इज इक्वल्स टू, वैसे कोई काम नहीं है यहाँ पे एक्चुअल में टर्म्स का, लेकिन ऐसा लिखने से आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि भाई टी वन इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए और टी वन में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और वैल्यू दी रही थी फिर भी वो लिख नहीं पाते, ऐसा बहुत बार मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अब टी वन हो गया और डी आ गया हमारा, टी टू माइनस टी वन मीन्स 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6, तो डी कितना आ गया हमारा 6। ओके बच्चों, अब देखिए डी आ चुका है, ए आ चुका है, अब निकालना क्या है हमें, बस एन की वैल्यू पुट आउट करो, आंसर निकालो, फॉर्मूला लिखो, एस एन इज इक्वल्स टू 2n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है ये, तो बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। और मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो tn के फॉर्मूले में क्या था बच्चों, tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक काम करो, ये t के जगह पे s लिखो और यहाँ पे n बाय टू लिखो, बस लिखा तो, और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया फॉर्मूला। देखो एन बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ट्रिक है जो मैंने अपने दिमाग में सोच के रखी है, आपको बताने की कोशिश की हुई, देखो अगर आपको समझता है तो। और ऐसे ट्रिक यूज करने से आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला याद ऐसे करना बच्चों कि कभी ज़िंदगी में भूलो ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे भी काम में आएगा। जैसे अगर किसी बच्चों को एनडीए करना हो या एमएससीटी करनी हो, तो उसमें ये फॉर्मूलास काम में आते हैं, क्योंकि एपी नाम का जो उसमें एक थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें एडिशन ऑफ सम्स और टर्म्स वगैरह निकालनी होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूले थोड़े, लेकिन ये भी कभी कभी काम में आते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, 25 इज इक्वल टू 25/2 ए की 2 × 4 प्लस 25 - 1 इंटू डी कितना हमारा 6 इज इक्वल टू 25/2 इन ब्रैकेट 8 प्लस 24 × 6 इज इक्वल टू 25/2 इन ब्रैकेट 8 प्लस 24 6 जा कितना होता है बच्चों, मैंने आपको ट्रिक बोली थी याद है, एक बार और रिमाइंड कर देता, 20 + 4 है ना, 20 + 4 इंटू 6। अब देखो यहाँ पे आएगा 120 प्लस 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 144, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक लगा के कुछ, अगर किसी को टेबल्स नहीं आते होगे फिर भी आसानी से आंसर निकाल सकते, इसको आप 30 + 6 भी लिख सकते, लेकिन उससे थोड़ा क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फिर 30 + 6, तो 36 = 180 और यहाँ पे 36, तो इतना ही आंसर आएगा माइनस करने के बाद, ठीक है। तो देखिए 25/2 इसकी एडिशन कितनी हो जाएगी, 152 मेरे हिसाब से, है ना, हो गया बच्चे 152 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 6 + 2 152 बराबर है, तो इसको डिवाइड कर लो, इतना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा हमारा 7 पे कट गया ये, अब 12 तो 6 बचे तो 76 आ गया, तो 25 × 76। अब देखिए 25 × 76 मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो कुछ नहीं, 25 × 6 कितना आता आपका आंसर, 25 6 है सबको आता होगा, कितना आता बच्चों बोलो, 175, ओके बराबर, सॉरी 150 आता, 0 15 और 25 7 जा होता है आपका 175 प्लस 15 होता है 190, तो इतना आपका आंसर आता है 1900, इसका आंसर आता है 1900, ठीक है। तो ऐसे आप बाकी के ट्रिक्स, बाकी के भी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और आगे आपको अगर फ्रैक्शंस में भी रहे इसमें प्रॉब्लम, समझ लो 1/2, 2 ऐसे कुछ रहा, अगर डिफरेंस फ्रैक्शंस में भी रहा तो भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते, सेम मेथड अप्लाई कीजिए, सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि इसमें देखिए, इसमें हमारे पॉइंट्स वगैरह नहीं आए सॉल्व करते वक्त, तो उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह आ सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे प्रॉब्लम्स SN के कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ बच्चों, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, और इसके पहले की वीडियोज़ अगर नहीं देखे होगे तो देख लो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपलोड किया है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन, AP, जितने भी आपके 10th के 11th के 12th के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो पूरे में सॉल्व करने की हमारी तरफ से कोशिश हो रही है, जैसे जैसे हमें और ज़्यादा वक्त मिल रहा है हम और वीडियोस बना के डाल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ऑन YouTube, एंड थैंक यू, एंड कीप स्टडिंग।